क्या सुनकर ईशान को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि ईशान कुछ ऐसा सुनने वाला है जिससे उसको अब लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। दरअसल सभी जो है वो भी दूसरी तरफ परेशान है, जहां वो अश्विनी से बातें कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईशान सुरेखा से बातें कर रहा है। सुरेखा ने कह दिया है कि ईशान तुझे लड़की वाले देखने आएंगे। अब इस चीज से ईशान परेशान हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ सभी को जॉब की चिंता है क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, क्या साथ में मिलकर ये दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को दूर भगाएंगे। चलिए बताते हैं क्या क्या होगा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। वह सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ईशान अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है, जहां पर उसका दोस्त उसे चिढ़ाता है कि तेरी सभी से दोस्ती हुई। तो इस पर ईशान जो है कहता है, नहीं यार, वो तो पता नहीं क्या चाहती है, मैं उसे बुक भी देने गया, उसने थैंक यू भी नहीं बोला। पता नहीं आजकल उसका दिमाग क्या है, कॉलेज में भी गुमसुम सी नजर आती है। वहीं उसका दोस्त जो है भाई सभी को लेकर ईशान से मजे लेने लग जाता है। तब ईशान जो है वो भी चिढ़ जाता है और फिर उसको लगता है कि पता नहीं सभी क्यों प्रॉब्लम में है। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सभी पढ़ रही होती है, जहां पर वो बात करती है अश्विनी से। वो अश्विनी से झूठ झूठ कहती है कि उसने कुछ खा लिया है, लेकिन वो तो बिस्किट से अपना पेट भर रही होती है क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है कुछ भी खाने पीने के लिए। वो परेशान है कि सब कुछ मैनेज कैसे होगा। वहीं पर आप देख सकते हैं अगले दिन जब सभी कॉलेज जाती है तो कॉलेज में अपनी फ्रेंड के सामने भी उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब सभी जो है बैठी होती है, जहाँ पर वो कहती है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी उसकी फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं चल सभी कैंटीन चलते हैं, लेकिन जब सभी अपने बैग में देखती है तो पैसे ही नहीं होती। सभी झूठ बोल देती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। वहीं पर सभी हर जगह जा रही है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन कोई भी उसे नहीं रख रहा है क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। वहीं पर एक कॉल आता है, तभी सभी जो है अचानक से क्लास में फोन चला रही होती है। इस बात पर ईशान गुस्सा हो जाता है। ईशान कहता है सभी ये क्या बदतमीजी है, तुम क्लास में फोन चला रही हो। तभी सभी कहती है सर मुझे कोई अर्जेंट काम है। तभी सभी वहाँ से चली जाती है और कॉल पे जब बात करती है तो वहाँ पर एक इंसान ने फोन किया और सभी को जॉब देने की बात की है। हालांकि वो जॉब किससे रिलेटेड है अभी इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सभी अभी बहुत परेशान है। वहीं दूसरी तरफ ईशान भी सभी को इस तरह से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ईशान को लग रहा है कि पता नहीं सभी ऐसे में कब ठीक होगी, क्योंकि जिस तरह से सभी परेशान हो रही है तो ईशान को लग रहा है कि किसी भी तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को वो दूर भगा दे। लेकिन जहां सभी पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आगे आने वाली हैं, उसको देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह सभी ईशान दोनों अपनी मुसीबतों से निपटेंगे। और आपका क्या कहना है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक्स को लेकर, ईशान सभी को लेकर, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।